हेलो गाइस, स्वागत है एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। गाइस, आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि हर किसी के ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जिसके कंप्यूटर स्किल्स आपसे कई गुना ज्यादा होते हैं। मतलब वो बंदा कीबोर्ड पे ऐसे हाथ चलाता है जैसे कोई हैकर चलाता हो। अगर आपको भी वैसा ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो आप ये वीडियो देख के नहीं बन सकते। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसे सीखने के बाद आपके ग्रुप में कीबोर्ड शॉर्टकट के मामले में तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो वीडियो को बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बनाइए एक बिल्कुल ही नया डेस्कटॉप। गाइस, सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे पूरा दिन काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक नया काम आता है, और अगर उसी प्रोजेक्ट के चलते आप एक नया विंडोज खोलते हो तो आपका पूरा का पूरा काम स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपको एक नया डेस्कटॉप चाहिए। सिंपल है, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी प्रेस करो और आपको एक फ्रेश नया डेस्कटॉप मिलेगा, और इस डेस्कटॉप में आप एकदम नए से काम कर पाओगे। नंबर 9, डेस्कटॉप के बीच में स्विच करें। अच्छा ठीक है, आपने एक नया डेस्कटॉप खोल लिया, लेकिन उस पुराने वाले काम का क्या हुआ? क्या वो डिलीट हो गया? नहीं, अगर आपको उसमें जाना है तो फिर सिंपली प्रेस करें विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन प्रेस करके आप स्विच कर पाओगे दोनों ही डेस्कटॉप में। नंबर 8, नए विंडोज को क्लोज करें। अच्छा ठीक है, आपने एक नया विंडो क्रिएट कर लिया, उसमें काम भी कर लिया, लेकिन आपको इस विंडो की और जरूरत नहीं है, इसको क्लोज करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाइए और आपका ये नया विंडो क्लोज हो जाएगा और आप पुराने वाले विंडोज पे चले जाएंगे। नंबर 7, मिनिमाइज। गाइस, सपोज अपने रूम में आप अकेले अपने पर्सनल चीजों को देख रहे हो और उसी वक्त कोई आपके रूम में चला आता है, आप क्या करोगे? डिस्प्ले का पावर ऑफ कर दोगे, लेकिन उससे लोग आप पे शक करेंगे। उससे अच्छा आप प्रेस करो विंडोज प्लस M, इससे आपका सारा का सारा विंडो एक साथ मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 6, टास्क बार के ऐप को आसानी से कीबोर्ड से कंट्रोल करें। सपोज आपके टास्क बार में बहुत सारे विंडोज खुले हुए हैं और आप उसमें नेविगेट करना चाहते हैं, एक से दूसरे में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको माउस उठाना पड़ रहा है, लेकिन आप कीबोर्ड से ही आप ये काम कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपका ऐप कौन से नंबर पे है। सपोज आप ये फोटोशॉप खोलना चाहते हैं तो फिर सिर्फ विंडोज बटन दबाइए और नंबर 2 प्रेस कीजिए और आपका फोटोशॉप खुल जाएगा। और सपोज आप ये OBS स्टूडियो खोलना चाहते हैं लेकिन ये OBS स्टूडियो आपके 5th नंबर पे है, तो आपको माउस से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप विंडोज प्लस 5 दबाइए और आपका OBS स्टूडियो खुल जाएगा। तो जो भी ऐप जिस नंबर पे है आप उस नंबर को प्रेस करके उस ऐप में जा सकते हैं। नंबर 5, मल्टी विंडो सेटअप। गाइस, सपोज आपको 2 ऐप चाहिए मल्टी विंडो सेटअप में, और आप अक्सर क्या करते हो कि स्टॉप पे क्लिक करते हो और साइड में ले जाते हो, तो आपका ये वाला विंडो राइट पे आ जाता है और आप दूसरे विंडो पर क्लिक करते हो और दूसरा विंडो खुलता है लेफ्ट में। लेकिन ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, और एज यूजुअल कीबोर्ड से काम करना ज्यादा फास्ट रहता है। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस राइट की बटन और आपका ऐप राइट पे चला जाएगा, और जो भी ऐप आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो चूज कर लो और एंटर कर दो और लेफ्ट में खुल जाएगा। सपोज आपके विंडोज पे कोई भी ऐप नहीं खुला है, सिर्फ एक ऐप है, और आप दूसरे ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है विंडोज प्लस राइट की बटन और आपका खुला हुआ ऐप राइट में चला जाएगा। देन आपको दूसरा ऐप खोलना है और आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस लेफ्ट की बटन, वो दूसरा ऐप लेफ्ट में चला जाएगा। नंबर 4, स्विच ऐप्स। गाइस, आप टास्क बार में ये बटन देख रहे हो, ये बटन प्रेस करने से आपका ऐसा कुछ व्यू आएगा और इस व्यू से आप एप्स को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये काम आप कीबोर्ड से ही कर सकते हो, माउस की जरूरत नहीं है। गाइस, सिर्फ आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस टैब बटन और आपका ये विंडो खुल जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस, इसको करने का एक और आसान सा तरीका है, ऐसा व्यू आपको लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यू से लेफ्ट राइट क्लिक करके आप अगर एप्स को खोलोगे फिर भी आपका टाइम लगेगा, आप इससे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो इस काम को। आपको सिर्फ प्रेस करना है ऑल्ट प्लस टैब बटन और आप जितने भी बार टैब बटन को प्रेस करोगे आपका ऐप स्विच होता जाएगा, आपको लेफ्ट राइट बटन की भी जरूरत नहीं है, आप बस टैब प्रेस करो और आपका स्विच होगा ऐप, और टैब को छोड़ देने से वो ऐप खुल जाएगा। और अगर गाइस ये ज्यादा फास्ट है आपके लिए तो फिर इससे थोड़ा स्लो वर्जन भी है आपके पास, उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब, इससे आपका ये वाला पोर्शन क्लोज नहीं होगा और आप लेफ्ट राइट की प्रेस करके आपका ऐप खोल सकते हो। नंबर 3,
हैंग पीसी। गाइस इस वाले पोर्शन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये वाला पोर्शन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस हर कोई बंदा पीसी में एक सिचुएशन में तो फंसता ही है, और वो सिचुएशन होता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, और उसके लिए आपका पूरा का पूरा विंडोज ही हैंग हो जाता है, और वो ऐप अगर क्लोज भी करना चाहते हो क्लोज नहीं होता। तो आप उस ऐप को कैसे क्लोज कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से? तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, और गाइस उसके बाद आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा, और टास्क मैनेजर में आप कोई भी ऐप को क्लोज कर सकते हो। सपोज एक ऐप आपका पूरा का पूरा पीसी हैंग कर रहा है, तो फिर आप उस ऐप को राइट क्लिक करके एंड टास्क अगर करोगे तो फिर वो ऐप फोर स्टॉप हो जाएगा। आपका पीसी जितना भी हैंग क्यों ना हो, टास्क मैनेजर से आप अगर ऐप को क्लोज करते हो तो फिर वो ऐप क्लोज होना ही है। गाइस इससे क्या होगा कि आपका एक ही ऐप का डेटा लॉस होगा, और बाकी जितने भी ऐप्स पे आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा लॉस नहीं होगा। तो गाइस पीसी को रिस्टार्ट करने से ज्यादा ये ऑप्शन जानना तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नंबर टू, फाइल एक्सप्लोरर। गाइस ये वाला ऑप्शन तो बहुत ही यूजफुल है। गाइस अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए पीसी पे, आप क्या करते हो, फाइल मैनेजर पे जाते हो, माउस से क्लिक करके जाते हो, लेकिन इस फाइल मैनेजर को आपको खोलना है तो फिर आप कीबोर्ड से भी खोल सकते हो। बिल्कुल ही आसान सा शॉर्टकट है। गाइस बस विंडोज प्लस ई प्रेस करो और आपका फाइल मैनेजर खुल जाता है। नंबर वन, यूज द बिल्ट इन मैग्नीफायर। गाइस आप अक्सर YouTube वीडियोस में देखते होंगे कि कोई एक पोर्शन, जो सपोज ये वाला पोर्शन और सपोज ये वाला पोर्शन, यूट्यूबर थोड़ा जूम करके दिखाता है, वो आप एडिट में भी कर सकते हो, लेकिन आप रिकॉर्डिंग के वक्त भी वो जूम कर सकते हो। उसके लिए भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो। गाइस सिंपली प्रेस करो विंडोज की प्लस प्लस की और माइनस की। गाइस आप जितना भी प्लस करोगे उतना ही जूम होता चला जाएगा, और आप जूम पोर्शन को माउस से कंट्रोल कर सकते हो। गाइस अगर थोड़ा ज्यादा जूम हो गया तो फिर आप माइनस की प्रेस करके वापस भी जा सकते हो, और नॉर्मल डेस्कटॉप पे जाने के लिए आपको फिर से विंडोज प्लस माइनस की दबाना है और आप नॉर्मल विंडो पे चले जाओगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस में लाता रहूंगा। बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।